हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश के एक बहुत खूबसूरत से कैंपिंग में। इसका नाम है नेचर वॉल्ट कैंप, एक्चुअली वो डोम कैंप है, डोम कैंपिंग होते हैं। मैं अपने साथ बंसल जी को ले जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर में वो मेरे घर पे आ जाएंगे, फिर निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। वैसे तो मैं बता दूँ, यहाँ पे रुकने का चार्जेस 4,000 रुपीज पर पर्सन अल्ट्रा लग्जरी में, और लग्जरी जो उससे नीचे वाला मॉडल है 3,000 रुपीज पर पर्सन। खास बात यह है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, जिसमें एंजॉय करते हुए आप सामने प्रोजेक्टर पे मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। एग्जैक्ट 12 बज चुके हैं और बंसल जी का फोन आया है, वो अभी घर से निकल चुके हैं। और जब तक खाली टाइम में मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ वीडियो एडिटिंग कर दी है। बंसल जी आ गए हैं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऋषिकेश, और छाता भी ले लिया क्योंकि बारिश हो सकती है ऋषिकेश में बहुत ज्यादा। ऋषिकेश जाते हुए ये पुल था जो टूट गया था अभी जब बादल फटा था और बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। तो यहाँ पे भी देखो जेसीबी मशीनें लगाई हुई हैं, काम चल रहा है बहुत तेजी से। तो हमें डर था कहीं ये पुल बंद ना हो, लेकिन इन्होंने बना दिया, बहुत जल्दी बनाया। देखो इन्होंने क्या किया, मिट्टी लगा दी फिलहाल दोनों तरफ से। इस तरफ भी देखो नदी को डाइवर्ट कर दिया पहले तो यहाँ से, और फिर मिट्टी लगा दी। हाँ ये भर दिया पूरा इन्होंने, अभी बनाएंगे प्रॉपर। ऋषिकेश के जंगल में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे इतनी डार्कनेस है, इतना अंधेरा हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मूसलाधार बारिश होने वाली है थोड़ी बहुत देर में। ऑलमोस्ट ऋषिकेश एंटर पर हो गए हैं, नटराज चौक पहुंचने वाले हैं। और ये चंद्रभागा रिवर है, देखो भाई कितना पानी आ रहा है, और इसने टक्कर मारी है नदी ने, देखो रोड भी तोड़ दी, और सामने नरेंद्र नगर दिख नहीं रहा है, फॉग आ रहा आया है। वहाँ पे पहुंच गए नटराज चौक, नीचे गंगा भी दिख रही है। फाइनली पहुंच गए हैं ऋषिकेश शिवपुरी नेचर वॉल्ट कैंप में। ये थोड़ा सा रास्ता है, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, लेट्स गो। यहाँ पे भी गेट लगा हुआ है, द नेचर्स वॉल्ट, ए लग्जरियस ग्लैम्पिंग एक्सपीरियंस। इसको ग्लैम्पिंग भी बोलते हैं, डोम कैंप भी बोलते हैं। अरे बहुत सारी मधुमक्खी है, चलो आ जाओ। पहुंच गया हूँ यहाँ पे नेचर वॉल्ट कैंप में। विक्की भाई कहाँ पर है, किस उसमें स्टे होगा हमारा, इसमें होगा या उसमें होगा। लाल 360 डिग्री व्यू ये है, उस तरफ स्विमिंग पूल है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ भी बैठने का है, और बहुत बेहतरीन मौसम हो रखा है आज। ये यहाँ पे अरबी लगी हुई है, वाओ कितना प्यारा एरिया है, कितनी प्यारी घास लग रही है। अच्छा बारिश हो जाएगी तो काम नहीं होगा। हाँ बारिश हो जाएगी फिर काम नहीं होगा, इसे जल्दी जल्दी काट रहे हो। ठीक है अभी वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस पूरे एरिया को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अभी एक भैया आएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हिसाब किताब है। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? प्रकाश? अच्छा रजनीश जी, हाँ अच्छा प्रकाश जी और विक्की भाई। हाँ, नीचे गए। हाँ विक्की भाई तो मिले नहीं यहाँ पे। ठीक है ठीक है, अभी आने वाले हैं। हाँ। तो जब तक कहाँ बैठे हैं, उधर उसके नीचे? हाँ वहाँ पे बैठ रहा हूँ, ठंडा है। जो विक्की भाई हैं इस कैंप के ओनर, वो अभी मार्केट गए हुए हैं, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, तभी हम चेक इन करेंगे अभी आराम से उनसे मिलने के बाद। अभी फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये स्विमिंग पूल है और ये सामने प्रोजेक्टर रखा हुआ है। अभी फिलहाल स्विमिंग पूल आज ही बंद है, तो क्या होता है ये 24 घंटे एक्टिव रहता है स्विमिंग पूल। आप कभी भी रात में आइए, एंजॉय करिए। लोग क्या करते हैं, इवनिंग जब हो जाती है तब स्विमिंग पूल में आते हैं, वाइन बियर एंजॉय करते हैं, और सामने जो प्रोजेक्टर चलता रहता है वहाँ पे मूवी देखते हैं या फिर गाने सुनते हैं। सोचो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, उसकी वीडियो मैं दिखा देता हूँ कि इस तरह की वीडियो नजर आती है। लिखा हुआ है आई लव ग्लैम्पिंग। चलो और आगे विक्की भाई कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। हेलो, बस बढ़िया। आज रात का हमारा जो स्टे होने वाला है इस लग्जरी कैंप में होने वाला है। ये बड़े वाले जो हैं ये अल्ट्रा लग्जरी हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, पर फिलहाल लग्जरी कैंप देख लो आप। और यहाँ से अंदर से बाहर का दिखाई देता है, यहाँ से मतलब पर्दे लगे हुए हैं, और ये इस तरह से ऐसा व्यू आ रहा है पूरा। और दिखा देता हूँ रूम, मैट्रेस हैं, काफ़ी अच्छे मैट्रेस हैं, कंफर्टेबल हैं, और क्वीन साइज बेड है। उस तरफ एसी है नहीं इसमें, उस तरफ कूलर है, पंखा है, और इस तरफ चार्जिंग का दिया हुआ है। और यहाँ से ना आप स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट है छत। और बाथरूम, ये बाथरूम है, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, शोवर भी है, सब कुछ है। तो इस तरह से व्यू आ रहा है इसका पूरा, और वुडन फ्लोर है, डस्टबिन भी रखा हुआ है। और यहाँ से पर्दे हटाएंगे तो आपको बाहर का व्यू आएगा, ये पूरा बाहर का व्यू आ रहा है। तो इसकी जो चेक इन होती है वो शाम को, ये कोशिश करते हैं कि आप कभी आएँ तो शाम को आएँ, 4 बजे 5 बजे, तभी थोड़ा टेम्परेचर अच्छा हो जाता है यहाँ पे। और
वैसे थोड़ी देर में बारिश आने वाली है, अब तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा टेम्परेचर होने वाला है। तो उस तरफ किचन है, किचन में चलता हूँ, देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। वहाँ पे भी शायद इन्होंने कुछ बनाया हुआ है बैठने का। अब मालूम करते हैं कि क्लाइंट वहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ अलाव है या फिर क्लाइंट को जो भी कुछ सर्व होता है वो इस तरफ ही सर्व होता है। तो विक्की भाई आ चुके हैं जो इसके ओनर हैं, वो ऊपर किचन में ही हैं। तो यहाँ से ये व्यू आ रहा है किचन के सामने से। किचन है, किचन क्या, ये कैफे ही बना हुआ है पूरा। अरे वाह, यहाँ पे बहुत अच्छी फील आ रही है। मैंने कहा यहाँ पे तो बहुत अच्छी फील आ रही है बैठने की। कुछ क्लाइंट तो आते होंगे यहाँ से, जाते ही नहीं होंगे, यहीं बैठे रहते होंगे। जैसे दोपहर में आते हैं, हाँ, कि अर्ली चेक इन होती है, हाँ, तो वो यहीं पे, वो फिर यहीं बैठे रहते हैं। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहता है। चलो बढ़िया। इसका कुछ नाम रखा हुआ है अलग से, या नेचर वॉल्ट कैफे कुछ ऐसा कुछ है? ट्रॉपिकल, अच्छा ट्रॉपिकल कैफे। जब ये लुक दिया हुआ है ना अपने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, हाँ ठीक है, फॉरेस्ट के बीच में, हाँ फॉरेस्ट के बीच में ऐसा ही लग रहा है। सीसीटीवी तो सब जगह लगे हुए हैं यहाँ पे, सीसीटीवी कैमरे जरूरी है, सेफ रहता है बिल्कुल। एंट्री से लेके नीचे पार्किंग तक, नीचे पार्किंग तक, एंट्री तक सब जगह। चलो ये तो बहुत अच्छा है, सेफ रहता है ना थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया। आपका कुछ मेन्यू भी है यहाँ पे, जैसे कोई अलग से कुछ ऑर्डर करना चाहे तो भी? क्या प्राइस रजिस्टर है हमारा? अच्छा ये बोन एपेटाइट ट्रॉपिकल कैफे, ठीक है। तो ये रेट है पीनट वगैरह के, मैगी के, पापड़ के, और ड्रिंक्स एंड एक्स्ट्रा। जो ट्रॉपिकल कैफे है वहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है बैठने में, तो बंसल जी को बुलाता हूँ, वहीं बैठते हैं थोड़ी देर। वापस कैफे में आ गए और यहीं पे बैठे। वाईफाई काफ़ी अच्छा है, अब मैंने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, न्यूज़ देख रहे हैं आज तक, और साथ में भैया ने मैगी भी दे दी है। अब थोड़ा मैगी खाते हैं, हमारा तो पेट भरा हुआ है ऑलरेडी। उस तरफ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन इस तरफ नहीं आ पा रही है बारिश अभी फ़िलहाल, इस तरफ सूखा है। देखते हैं कितनी देर में यहाँ पर बारिश आएगी। तो चलिए भाई, इस कैंप के ओनर है विक्की भाई, तो इनसे कुछ पूछते हैं इस कैंप के बारे में। तो कितने दिन हो गए भैया इस कैंप को चलते चलते? लगभग 1.5 साल हो चुका है मैं ये ऑपरेशनल अच्छा, करते हुए। अच्छा 1.5 साल हो गया ना? हाँ लगभग। उसका अवेलेबिलिटी का बताओ, जैसे कि जब सीजन चलता है तो कितने दिन पहले क्लाइंट को बुक कराना चाहिए कि उसको मिल जाए, या वीकेंड पे? वीकेंड पे भी लगभग, अगर वो चाहे तो 2 या 4 दिन पहले, 2-4 दिन पहले बता दें, बताना पड़ेगा। उसके बाद भी अवेलेबिलिटी हम चेक करते हैं, जैसे प्रीवियस कोई बुकिंग है अगर, हाँ, वो कैंसिल भी हो रही है। अच्छा। और कुछ हमारा लाइनअप है, हाँ, बुकिंग, तो हम उसको फिर उसमें शेड्यूल में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, प्रीवियस बुकिंग कैंसिल होती है। ठीक है ठीक है, वैसे हमारा वीकडेज और वीकेंड पे चलता है, हाँ, बुकिंग फुल रहती है। और जो मेजर हॉलीडे होते हैं वो तो कुछ हो सकता है कि 20-25 दिन पहले भी भर जाता होगा। अभी जैसे यही बात करिए आपने, तो हमारा नवम्बर तक की भी बुकिंग आ चुकी है। आ चुकी है नवम्बर तक की भी बुकिंग, अभी आ चुकी है अगस्त में। अरे वाह। तो आपका कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है? मान लो किसी ने बुक कराया और कितने दिन पहले कैंसिल, या क्या घंटों पहले का? कैंसिलेशन का प्रोसेस ये है, अगर आपने बुकिंग कराई है और इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्लाइंट कैंसिल कराना चाहता है, तो वो 48 आवर्स पहले हमें बता दें। अच्छा 48 घंटे पहले बता दें, 48 घंटे की है। तो आप उसमें कितना रिटर्न कर देते हैं? मैं तो तब उसमें 50% उसको रिटर्न। अच्छा 50% रिटर्न कर देते हैं, चलो बढ़िया है। वैसे क्या प्राइस है आपके पास? दो कैंप है, मैंने लग्जरी वाला तो दिखा दिया जिसमें मैंने स्टे किया हुआ है, ये राइट में जो बड़े वाले हैं ये अल्ट्रा लग्जरी हैं। तो हाँ, दो कॉन्सेप्ट है हमारा, लग्जरी, हाँ, और अल्ट्रा लग्जरी, जैसा आप देख रहे हैं। हाँ, ऊपर के हमारे 4, टोटल 6 हैं। हाँ, ऊपर के 4 हमारे लग्जरी कॉन्सेप्ट है और नीचे हमारा 2 है वो अल्ट्रा लग्जरी कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। इसका हमारा जो पर पर्सन प्राइस है 3000 पर हेड है वो। अच्छा, विद 3 मील्स। अच्छा, उसमें 3 मील्स हैं। 3 मील्स हैं, और जो हमारा नीचे के 2 डोम्स हैं अल्ट्रा लग्जरी, 3 डोम्स, उसका 4000 है पर पर्सन, 3 विद 3 मील्स। ओ, 3 मील्स है उसमें। ओके ओके, यानी कि जैसे आपका चेक इन कितने बजे का रहता है? हमारा चेक इन टाइम 4 बजे का। 4 बजे का, तो यानी कि डिनर, फिर अगले दिन का ब्रेकफास्ट, और या फिर 3 मील्स कैसे रहते हैं? पहले दिन का लंच रहेगा, क्लाइंट का चेक इन होगा 4 बजे का। हाँ, उसके बाद हमारा 5:30 से स्टार्ट होता है ब्रंच। अच्छा ब्रंच होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा 5:30 बजे से, आपको मिल जाएंगे। तो वो एक काउंट हो जाता है? एक काउंट हो जाता है। उसमें हमारे 3 आइटम होते हैं, जैसे क्लाइंट अपना वो भी खाते हैं नॉन वेज और वेज। हाँ, तो एक उसमें नॉन वेज आइटम होता है, 2 वेज आइटम होते हैं ब्रंच में। अच्छा, शाम को फिर आपका डिनर है। अच्छा, डिनर में भी एक नॉन वेज ग्रेवी होती है और एक वेज ग्रेवी होती है, वो हमारा 9:30 पे है। अच्छा, और ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूड होता है नेक्स्ट डे का। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ या कम 3 मील्स हो गए हैं। तो ब्रंच जैसे आप देते हो तो शाम को इवनिंग स्नैक्स भी रहते हैं अलग से? वही उसमें। अच्छा, वो उसमें ही रहता है, वो ब्रंच में ही आ गया ना। अरे वाह बढ़िया है। तो सबसे यूनिक चीज़ क्या है आपके कैंप की? मतलब जैसे एक तो ये ओपन स्विमिंग पूल हो गया,
सामने प्रोजेक्टर है, गाने चल रहे हैं, मतलब जो हमारा आउटडोर एक्टिविटी है उसमें स्विमिंग पूल तो कॉमन चीज़ है वैसे तो देखा जाए, अधिकतर हर कैंप में अब स्विमिंग पूल है। और दूसरा हमारा ओपन एयर सिनेमा है, यूट्यूब नेटफ्लिक्स अमेजोन पे आप मैच अपना मूवी वगैरह सब इंजॉय, जो क्लाइंट को जो कर चलाना है अपना चला सकता है आप उस पर, यूट्यूब अमेजोन नेटफ्लिक्स हॉटस्टार वो सब मैच वगैरह आप इस पर इंजॉय कर सकते हैं। ओपन एयर, ओपन ओपन एयर ओपन स्काई में स्विमिंग पूल में मतलब खड़े होके अपना आराम से अपना वो सब ओपन है वहाँ पे आप लीकर वगैरह, हाँ लीकर वगैरह की कोई रोक टोक नहीं है, नॉन वेज भी मिलता है ना, वेज भी मिलता है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ये रहता है कि नॉन वेज भी मिलता है क्या। और चेकआउट टाइम क्या रहता है, चेक इन तो नेक्स्ट 12 बजे का, 12 बजे तक क्लाइंट आराम से चेकआउट कर सकता है। ओके ठीक है ठीक है। तो एक कैंप मान लो ये अल्ट्रा लग्जरी है, इसमें मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं? मैक्सिमम इसमें कोड ऑक्युपेंसी हो सकती है, अच्छा 4 लोग आ सकते हैं। तो जैसे आपने बताया 4,000 रुपीज पर पर्सन, तो 4 लोग भी आएंगे तो 2 तो बेड पे और 2 एक्स्ट्रा मैट्रेस नीचे बिछाओगे आप? नहीं बेड उसमें 4 होंगे। अच्छा बेड भी आप अलग से फोल्डिंग एक्स्ट्रा मैट्रेस उसमें, एक ये फायदा हो जाएगा अगर आप कोड ऑक्युपेंसी करते हैं तो उसमें थोड़ा लेस हो जाता है, थोड़ा सा लेस हो जाता है। कितना हो जाता है मतलब? 10% लेस कर देते हो। और 3 लोग में भी करते हो या 3 में फुल रहता है? 3 लोग में भी कर देते हो 10%, 2 में फुल रहता है, 2 में पूरा 8,000 आपको देना, 8,000 पूरा देना पड़ेगा। और उसमें लग्जरी में अप्लाई होती है, उसमें वैसे 3 लोग मैक्सिमम आते हैं, अच्छा उसमें भी 10%। अच्छा 3 लोग आएंगे तो 10%, 2 आएंगे तो वो पूरा 3,000, वो 6,000 में रहेगा काउंट होता है। ओके ओके ओके। इसके अलावा कुछ बताना चाहते हो आप कि क्लाइंट को किस चीज़ का ध्यान रखना है क्या? यहाँ पे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्लाइंट के लिए, सब फ्रेंडली है, हमारा स्टाफ भी फ्रेंडली है, अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है। और नीचे हमारी पार्किंग है और हमारा मैक्सिमम गैदरिंग 20 से 20 लोगों का होता है और हमारी पार्किंग भी नीचे ही अवेलेबल है। अच्छा कोई इशू नहीं है। और हमारे इधर CCTV कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं। बस यही है कि 10 बजे आप म्यूजिक मतलब वो बंद कर देते हो, प्रोजेक्टर वगैरह भी बंद हो जाता होगा, लेकिन स्विमिंग पूल में आप नहा सकते हो। स्विमिंग पूल आप रात को भी यूज कर सकते हैं, वो 24 घंटे चलता है, बातें कर सकते हैं, कोई हमारा कॉमन एरिया है वहाँ पे, कॉमन एरिया में आप कभी तक बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक हमारा 10 बजे ऑफ हो जाता है पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ वो तो सभी को करना पड़ता होगा, हर कैंप में बंद करना पड़ता है। चलो बहुत बढ़िया, आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए, चेक इन चेक आउट, वेज नॉन वेज, म्यूजिक का टाइमिंग। और भैया का नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट कॉल करिए और बुक कर लीजिए भाई। हाँ नहीं, और एक चीज़ और बता दूँ, इनको ग्लैम्पिंग बोलते हैं, डोम कैंप भी बोलते हैं ना, ग्लैम्पिंग डोम बोलते हैं, ये इकलौते हैं पूरे ऋषिकेश में, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको इनका लुफ्त उठाना है लग्जरी कैंपिंग का, तो आपको नेचर द नेचर वॉल्ट में ही बुक करना पड़ेगा। बादल आ गए भाई, बोल रहे हैं बहुत तेज तेज। तो फाइनली यहाँ पे बारिश आ चुकी है बहुत तेज, ये गेम लगा हुआ है, मैं और बंसल भाई इसको थोड़ा सा खेलते हैं, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेरी है, ये अगर इसके अंदर चली गई ना तो मेरा गोल हो जाएगा। अब देखो ये बीच में लग गई, अब ये घूम नहीं रहा, ना ये वाला टच हो रहा ना ये वाला, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। चलो चलो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, 4 हैं आपके, अब ये यूज़ करो। अरे वाह, ऐसा करके घुमा सकते हो, ऐसा करके, ऐसे ऐसे, ये सिंगल है, बस गया। जैसे ग्रिल कर रहे हो। अरे अरे आप वापिस अपने ही कर दिया था गोल। अरे अरे बच गया, तेज मारोगे तब चलेगा। बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। हो गया, मुझसे ही हो गया अपना ही। हाँ ये है, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। 6:45 हो गए हैं और भाई यहाँ पे आ गए हैं अपने पनीर के पकोड़े। और ये किस चीज़ के हैं? अच्छा ये आलू के हैं। बारिश रुक चुकी है पूरी और देखो फोग आ गया पहाड़ों पे। शाम के 6:30 बजे का माहौल, अभी लाइट जल चुकी है, आई लव ग्लैम्पिंग और यहाँ की भी। काफ़ी देर हम वहाँ पे ट्रॉपिकल कैफे में बैठे रहे, लाल 360 डिग्री व्यू। तो आई होप दोस्तों ये नज़ारा आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है। आप कहीं भी बैठ के इवनिंग में एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं स्विमिंग पूल के पास, यहाँ पे बैठ सकते हैं,
या फिर आप अपने डोम में बैठ सकते हैं, या फिर वहाँ पे ट्रॉपिकल कैफे है आप उसमें बैठ सकते हैं। साढ़े छः बज चुके हैं और फिलहाल यहाँ का ये नज़ारा, लाइट जल चुकी है अपने डोम कैंप की, बिल्कुल शांत माहौल, बारिश थम चुकी है, कम से कम आधा घंटा बारिश हुई होगी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। 31 अगस्त 2022 का और फिलहाल ये माहौल है यहाँ पे, अपने चरम पे मानसून है, बस कल से 1 सितंबर चालू हो जाएगा। हाल में अभी आज यहाँ पे घास की थोड़ा सफाई हो रही है, थोड़ा आवाज़ आएगी इसकी तो इसको इग्नोर करना। मैंने आपको लग्जरी कैंप तो दिखा दिया था, अब दिखाता हूँ अल्ट्रा लग्जरी। ये 4000 रुपीज़ पर पर्सन में मिलता है, इंक्लूडिंग 3 टाइम मील, और ये है अल्ट्रा लग्जरी। तो यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर चेयर टेबल है, और यहाँ पर ये टेबल है, और यहाँ पर ये बेड, और इसका जो बाथरूम का एक्सेस है वो इस तरफ से है, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बाथरूम भी। ये इसका बाथरूम है, सेम बाथरूम है जैसा लग्जरी में है, बस ये है कि थोड़ा सा अंतर ये है कि आप इसकी थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, मतलब आप प्रॉपर इसमें खड़े हो सकते हैं, थोड़ा आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो लग्जरी है उसमें हल्का सा आपको बैंड होना पड़ेगा, हल्का सा। और इस तरह से व्यू आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी स्पेसियस है, दो लोग यहाँ पे सो सकते हैं, दो लोगों के लिए अलग से बेड लग जाता है, तो चार लोग भी इसमें आ सकते हैं। तो आपको 16000 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा 16000 रुपीज़ में, अगर आप चार लोग इसमें रुकते हैं तो। फिलहाल कूलर है, पंखा है, एसी यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रूफ़ है, और बाहर का नज़ारा देखें तो बाहर का नज़ारा इस प्रकार है, ये बाहर का नज़ारा है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी में दो ही अल्ट्रा लग्जरी ग्लैम्पिंग है, डोम ग्लैम्पिंग है, एक ये है एक वो है, और चार इनके पास लग्जरी में है, और बाकी ये व्यू है उस तरफ, स्विमिंग पूल, प्रोजेक्टर, म्यूज़िक वगैरह सब कुछ। दोस्तों आई होप आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा यहाँ इस प्रॉपर्टी का, अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर रुकने के लिए तो भाई कॉन्टैक्ट कर सकता है विक्की भाई से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो इसका नाम है द नेचर वॉल्ट ऋषिकेश, जो कि शिवपुरी में है, ऋषिकेश से शायद 10-15 मिनट आगे ही है ये, रिवर गंगा मतलब शिवपुरी के पास, और देख सकते हो यहाँ पे कैसा माहौल है, और भाई सामने वाले पहाड़ पे पूरा फॉग आया हुआ है। हमारे कैंप के पीछे कितनी प्यारी चिड़िया आ गई है, काफी देर से बोल रही है। हमें बर्ड वाचर तो हूं नहीं जो इसका नाम बता पाऊंगा, लेकिन शायद आप भी ना बता पाओ क्योंकि ये इतनी क्लियर नहीं दिख पा रही है, लेकिन आवाज़ से ज़रूर बताना, जो बर्ड वाचर्स हैं जिनको नॉलेज है बर्ड्स की, वो आवाज़ से ज़रूर बताना कि कौन सी है। और यहाँ पर फिलहाल ये माहौल बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, बंसल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उस तरफ विक्की भाई खड़े हैं, बाकी क्योंकि आजकल मानसून चल रहा है तो मानसून में काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो रेनफॉल में क्या है कि स्विमिंग पूल का पानी थोड़ा सा मटमैला हो जा रहा है, तो इन्होंने आज ये क्लीन किया है, कल फिर से इसमें पानी आ जाएगा। तो महीने में एक दो दिन ऐसे रहते हैं कि कभी स्विमिंग पूल ना चल रहा हो, कभी भी आप यहाँ पे आएँ तो मालूम कर लें स्विमिंग पूल का, जब स्विमिंग पूल चलता है सामने प्रोजेक्टर चलता है, एक अलग ही इन्वायरमेंट रहता है, बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट। और जो पीछे की तरफ जो पहाड़ हैं भाई, वो पूरे फॉग से ढक चुके हैं, अब तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल डार्कनेस आ गई है, देखो कितना प्यारा लग रहा है इन्वायरमेंट। उस तरफ तो कुछ नहीं दिख रहा, सबसे ज़्यादा फॉग उस तरफ रहा पूरे दिन, और इस तरफ मैं बता दूं वो वाले पहाड़ और इस वाले पहाड़ के बीच में रिवर गंगा फ्लो हो रही है, और हम एग्जैक्ट शिवपुरी में हैं, और आज हम लग्जरी कैंपिंग कर रहे हैं, इसी कैंप में रुक रहे हैं हम, इसके पीछे वाले में, और उस तरफ अल्ट्रा लग्जरी है। तो अभी हम चलते हैं ट्रॉपिकल कैफ़े में, वहीं पे बैठेंगे, जो कि इस प्रॉपर्टी का नेचर वॉल्ट का जो कैफ़े है उसका नाम ट्रॉपिकल कैफ़े। ये तो यहीं पर आ गई बिल्कुल पास में, जब चिड़िया पास में आती है तो मैं उसके और पास जाता हूँ जब तक वो दूर ना भागे, तो मैं कैमरा ऊपर करता हूँ। हाँ, उसने मुझे देख लिया, यहीं पे बैठी थी सबसे पहले, तो पहले तो उसे समझ में नहीं आया, फिर देख लिया, फिर भाग गई। तो चलते हैं अपने कैंप के अंदर, अभी हमने लाइट नहीं जलाई हुई, लाइट वगैरह चलाते हैं। दरवाजा बंद कर देना। हाँ मच्छर आ रहे। हाँ ठीक है, कर लो। तो फिलहाल ये व्यू आ रहा है नाइट का, लाइट में देख लीजिए आप। ठीक है, अभी थोड़ा चेंज वगैरह करते हैं, रिलैक्स होते हैं, और फिर चलते हैं इसके कैफे में, वहां बैठेंगे बहुत देर आराम से। तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको दिखा दूं,
ये देखो बहुत तेज बारिश आ रही है, किस तरह से दिख रहा है बन्नी से ये बहते हुए, दिखा देता हूँ। लाइट बंद करके दिखाता हूँ कैसा लग रहा है, लाइट बंद करता हूँ। ट्रांसपेरेंट रूफ है, ऊपर से बहुत तेज बारिश हो रही है और इस तरफ भी ट्रांसपेरेंट, तो अब तेज मूसलाधार बारिश हुई है, पहले भी दोपहर को भी आधा घंटा हुई थी, अब दोबारा से आ चुकी है। ये वापस कैफे में आ चुके हैं और लगातार बारिश। लगातार बहुत तेज बारिश। द नेचर वॉल्ट हैशटैग द नेचर वॉल्ट, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी हैशटैग द नेचर वॉल्ट लिखेंगे, नेचर्स एस भी आएगा इसमें, तो आपको यहाँ की बहुत सारी फोटो और इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। तो भाई आज हो रही है बाहर बारिश, तो आज हमने प्रोजेक्टर यहीं पे लगा दिया अंदर कैफे में और अभी लाइट बंद कर रहे हैं, फिर देखते हैं प्रोजेक्टर पे क्या चलाएंगे भैया। भाई 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पे हम मूवी देख रहे हैं और भाई बारिश हो रही है बहुत तबाह के लगातार। एग्जैक्ट 10 बज चुके हैं, यहाँ से खाना पीना हो गया है और ये लोग बाकी लोग ना प्रोजेक्टर पे मूवी देख रहे हैं, और आज क्योंकि बारिश हो रही थी तो प्रोजेक्टर अंदर ही लगा दिया, वरना वहाँ लगता है स्विमिंग पूल के बराबर में। और देखो किस तरह से कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं, अब चलते हैं अपने कैंप में। हाँ ये देखो ना, अरे वाह क्या व्यू आ रहा है, गजब, बिल्कुल शांति है ना। ये देखो, अरे वाह क्या लाइटें लग रही है ना बादलों में टकरा के ऊपर। तो अभी अपने कैंप में जाते हुए लेफ्ट साइड में लग्जरी और राइट साइड में अल्ट्रा लग्जरी। तो ये अपना कैंप, तो ठीक है दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, फिलहाल इतना ही, बारिश रुक चुकी है अब सोते हैं यहाँ पे। ठीक है बाय बाय, मिलते हैं, सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। द नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैंप, और यहाँ पर ये माहौल है भाई, ये कूलर चल रहा है और फिलहाल यहाँ से ऐसा नज़ारा आ रहा है, अभी दिखाता हूँ। सामने पहाड़ बहुत रेयरली दिख रहे हैं और हर जगह मॉइस्चर मॉइस्चर, यहाँ पे भी शायद बारिश हुई है इसलिए हमारे कैंप पे ये बारिश पड़ी हुई है। बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर का माहौल फील करते हैं। वाओ फॉग आया हुआ है, बंसल जी उस तरफ घूम रहे हैं और एग्जैक्ट सुबह के बज रहे हैं 7। वाओ कितना प्यारा व्यू है, चलो इसको थोड़ा लॉक करते हैं। जो इस तरफ पहाड़ हैं वो भी बिल्कुल कम्प्लीटली फोगी हो चुके हैं, बस हल्के से थोड़े बहुत इस तरफ से दिख रहे हैं और उस तरफ से सूरज हल्का सा, देखो जूम करता हूँ, ये सन है, यानी कि अभी फोग नहीं होता, अभी तक धूप आ चुकी होती। और यहाँ पर चिड़ियाएँ घूम रही हैं और ये सामने वाले पहाड़ भी कम्प्लीटली कुछ नहीं दिख पा रहा, हल्के फुल्के से उस तरफ देख रहे हैं रिवर गंगा के ऊपर वाले पहाड़, और वो सामने ट्रॉपिकल कैफ़े जहाँ पे रात हमने डिनर किया था, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा वहीं पे पास हुआ है। मैंने कहा कितना बेहतरीन वो हो रहा है मौसम, है ना, देखो ना बिल्कुल पूरे में फोग आया है और देखो सामने सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर मौसम अभी निकल जाएगा तो थोड़ी देर में। हाँ वाओ चलो स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं, हाल में आज ही इसमें पानी नहीं है, वैसे पानी रहता है डेली, तो और भी सुंदर नज़ारा रहता है यहाँ पे। रात हमने प्रोजेक्टर, एक प्रोजेक्टर यहाँ पर है एक अंदर है ट्रॉपिकल कैफ़े में, हमने रात ट्रॉपिकल कैफ़े में ही प्रोजेक्टर लगा लिया था, वहीं पे हम मूवी देख रहे थे। चलिए उस तरफ तक चलते हैं, आई लव ग्लैम्पिंग। तो इस कैंप का नाम है द नेचर वॉल्ट ऋषिकेश, किसी को आना हो भाई डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट लिंक है और स्क्रीन पर भी विक्की भाई का नंबर आ रहा है। एक कॉर्नर इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है बोन फायर के लिए यहाँ पे, और ये इसका एंट्री गेट है यहाँ पे ये वाला, और यहाँ से ऐसे कंप्लीट दिखाई दे रहा है ये पूरा।
तो अगली बार जब आप द नेचर वॉल्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे भी कैंप मिलेंगे, सेम डोम कैंप, ये एक्सटेंड कर रहे हैं इस वाले फील्ड में। तो अभी इनके पास 4-5-6 डोम कैंप हैं, फिर उसके इनके पास मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कैंप यहाँ पे मिलेंगे। तो देख रहे हैं आप बड़े बड़े ये अरवी के पेड़ हैं, और यहाँ पर उत्तराखंड के इन खेतों में अरवी, भुट्टे और दाल ही होती है। तो अभी धूप बहुत तेज़ी से, देखो सूरज कितनी तेज़ी से, अभी कुछ नहीं दिख रहा था, कितनी तेज़ी से निकल के आया है। और देखो ये पहाड़ भी दिखने चालू हो गए हैं। ये खूबसूरती है ऋषिकेश के पहाड़ों की, ऐसा मतलब ऐसा नज़ारा देहरादून में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ का थोड़ा सा सीन ही अलग है, देहरादून में तो बिल्कुल क्लियर मौसम रहता है ना, ऐसा सूरज निकलता है बिल्कुल इस टाइम। मेरी नज़र अभी एक बोर्ड पर पड़ी है, चैलेंज योर सेल्फ बुक हेयर थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ पर थ्रिल फैक्ट्री है, यहाँ पर देखो ये रिवर्स बंजी जंपिंग भी होती है, और जिप लाइन भी है, होप कोर्स भी है, क्रिकेट सिमुलेटर भी है वहाँ पे, AIR की फूड, बॉलिंग, नाइट ट्रैक विद डिनर, आर्केड गेम, ट्रेड पूल, सब कुछ है वहाँ पे। और यहाँ पे पता है बंजी जंपिंग, ये तो एक तो ये शिवपुरी में ही है, यहीं पे ये स्कैम के पास ही है, एक इनका थ्रिल फैक्ट्री वालों का एक उधर है बंजी जंपिंग, जहाँ पे राहुल भाई काम करते हैं, इसीलिए ऋषिकेश को एडवेंचर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। चलो वापस चलता हूँ कैंप में, तैयार होते हैं या थोड़ा बहुत और रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ पे 8:15 हो चुके हैं और सूरज सिर पे आ चुका है, और देखो कितना प्यारा फॉर्मेशन बन चुका है फोक का सामने वाले पहाड़ पे। और यहाँ पर चिड़िया बैठने का स्थान है हमेशा की तरह, रात शाम को भी यहीं चिड़िया बोल रही थी, और अभी भी ये भुट्टे लगे हुए हैं, इधर चली गई उस तरफ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने यहाँ से चेकआउट कर दिया है, और बस अभी हम जा रहे हैं कहीं टेंपल में। एक्चुअली बंसल भाई को भी कुछ पूजा करनी थी, मैंने भी सोचा थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लेते हैं, चलो कहीं बैठ के शांति में। तो यहाँ से सोचा कि हमने अभी चेकआउट कर देते हैं, और कहीं ऋषिकेश में जाते हैं तो घाट पर बैठते हैं, या किसी नाश्ता भी वहीं ऋषिकेश चल के करेंगे, देखते हैं कहाँ करेंगे। तो बंसल भाई को खानी थी कचौरी की, जैसी वहाँ पर मोहनपुरी वाला वगैरह है ना, मथुरा वाला जो हरिद्वार में, ऐसा ऋषिकेश में ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैंने तुरंत राहुल भाई से पूछा कि ऐसा कोई ऑप्शन है तो बताओ, तो उन्होंने बोला ऋषिकेश में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कचौरी वाला जो यहाँ पे फेमस हो। तो अभी देखते हैं कहाँ नाश्ता करेंगे, फिलहाल हमने जानबूझ के यहाँ पे नाश्ता नहीं किया क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है। ये यहाँ से व्यू आ रहा है, हम वहाँ पर रुके थे रात डोम में, और इनका कैफे उस तरफ, और आसपास काफ़ी कैंप हैं, ऊपर भी कैंप बनने लग रहे हैं, और उस तरफ भी काफ़ी कैंप हैं, और यहाँ से दिख रही है रिवर जो कि गंगा जी में जाके मिल रही है। और यहाँ से एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, एक चीज़ और, ये यहाँ पर टनल है, यहाँ पर इस तरफ टनल है, और इसी पहाड़ पे जहाँ पे खड़ा हूँ इसी के अंदर से सुरंग से ट्रेन निकलेगी, थोड़ी देर के लिए ओपन में जाएगी, फिर टनल में अंदर चली जाएगी। तो जो नया प्रोजेक्ट है करण प्रयाग रेल वाला, तो उस पर ज़ोर शोर से काम चल रहा है, और वही यहाँ पर भी दिख रहा है। चलो जी, यहाँ से गंगा जी दिख रही है काफी रौद्र रूप में। एक्चुअली जहाँ पे हमने स्टे किया था वो शायद 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर होगा मेन रोड से, 2 किलोमीटर मेन रोड से हमें अप हिल आना पड़ता है।